सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आप सबसे पहले नोटिफाइड हो सके और मेरे लेटेस्ट ब्यूटी और DIY वीडियो सबसे पहले देख सके। Hey guys, hi, welcome back to my channel, मैं हूँ वन्ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ गाइज। थैंक यू सो मच गाइज कि आज मेरी चैनल में 5K सब्सक्राइबर हो गए। आज मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैं ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से आज मेरी 5K सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुकी है। बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और ताकि मेरी फैमिली आगे बढ़कर 10K, 15K, 20K हो जाए। बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइज। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज। तो टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से ये वीडियो को चालू करते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, आपके भी बाल रूखे सूखे बेजान झाड़ू जैसे हो गए? इफ यस, देन आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हेयर स्प्रे बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अपने बेजान झाड़ू जैसे रूखे बालों को फिर से सिल्की शाइनी और स्मूथ बना सकते हैं। मैंने घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से एक हेयर स्प्रे बनाया है जो हमारे हेयर को फिर से सिल्की शाइनी और स्मूथ बना देगा। मैंने देखा है कि ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल जो स्प्रे होते हैं वो तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और कई लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। अगर अफोर्ड भी कर पाते हैं तो वो हेयर स्प्रे में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेयर को आगे जाकर डैमेज पहुँचाते हैं। तो इससे तो अच्छा ये कि हम ऐसा हेयर स्प्रे बनाए, DIY हेयर स्प्रे बनाए कि जिससे हमारे बाल डैमेज भी ना हो और हेल्दी भी हो जाए और रुके सुखे भी ना हो के सिल्की और शाइनी और स्मूथ भी हो जाए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये स्प्रे बनाना बहुत ही आसान है गाइज, बट ये जितना आसान है उतना ही इफेक्टिव है हमारे हेयर के लिए। तो ये हेयर स्प्रे बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, लिवोन सीरम। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें चाहिए डिस्टिल वाटर, और लास्ट में हमें चाहिए एक स्प्रे बोतल स्प्रे को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको स्प्रे बोतल में 1/3 पार्ट डिस्टिल वाटर भर लेना है, और इसके बाद आपको इसमें 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद आपको इसमें 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड करना है, और लास्ट में आपको इसमें 1/2 टेबल स्पून लिवोन सीरम ऐड करना है। लिवोन सीरम आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो, अगर नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपको शेक करके इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चारों चीज़ें अच्छे से आपस में घुल मिल जाए, आपस में मिक्स हो जाए, और आपका हेयर स्प्रे रेडी है। तो गाइस, है ना ये हेयर स्प्रे बनाना बहुत ही आसान। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हेयर स्प्रे बहुत ही आसान है बनाना, पर क्या हमारे हेयर के लिए इतना इफेक्टिव रहेगा, मतलब हमारे हेयर को शाइनी, ग्लोसी और सिल्की बना देगा?